सत श्री अकाल पंजाबियो, थोड़े नाल अज दो चार गल्लां करनियां ने, गल्लां बड़ियां महत्वपूर्ण। पहली गल तां इह करनी है कि जिहड़ी दीप दी गिरफ्तारी होई है उहदे संबंध च कि दीप नाल मेरे हजारां जिहड़े बखरेवें हैगे आ, मतभेद हैगे आ, बहुत सारियां इहो जिहियां गल्लां जिन्हां रहीआं जिन्हां नाल मैं सहमत नहीं हैगा दीप दीआं दे नाल। बहुतियां ऐसियां मेरियां गल्लां जिहड़ियां नाल दीप सहमत नहीं होगा। किसान आगुआं दी अनेक गल्लां नाल मैं सहमत नहीं हैगा, वह मेरे नाल सहमत नहीं हैगी। ये बेचारां दा बखरेवा जिहड़ा वह चलता रहिंदा, होना भी बड़ा लाजमी हुंदा है, क्योंकि जिथे वक्खो वक्खरे बेचारां दे लोक हुंदे ने उत्थे सही जिहड़ी कोई चीज़ आ हुंदी आ, इक्को ही विचारधारा इकट्ठी हो जाणी उत्थे भी गड़बड़ हो जाती है। सो पर मैं अज जिहड़ी गल करनी चाहुंदा कि किसान आगुआं नूं मैं कहना चाहुंदा कि हुण किसान आगुआं नूं जिन्नियां भी साडियां गिरफ्तारियां होईयां ने, जिहड़े आगू साडे जिहड़े किसान साडे जेलां च बैठे ने, थाणियां च रुली जांदे ने, उहनां च दीप भी इक आ। हुण आपां इह ना होवे वी कल्ले दीप नूं पासे छड्ड दईए। कहिंदे हुंदे आ कि जे आपदा मारू सामने सिट्टू, जे आपदे बंदे च गलती भी होवे कोई, जे तुहानूं लगदा होवे कि उहदे च कोई गलती आ तो उन्होंने अंदर वाड़ के भी समझाया जा सकता होंदा, उहदे नाल बाद च भी गल्लां नजिठियां जा सकदियां होंदियां ने। पर अज जदों साडे घोल दे विच सरकार नूं इह सट मारन दा मौका मिल रहा, क्योंकि उन्होंने देखिया कि दफाड़ हो गए, अड्डो अड्डी हो गए, तो उन्होंने संध ला लैनी आ, उन्होंने सानूं अड्डो फाटी करके आपस में लड़ा के आपस में एक दूजे के खिलाफ असीं प्रचार करांगे, फिर जदों तां सरकार नूं सौखा हो जाणा साडे अंदोलन नूं खत्म करन दे लई। सो अज उह समां नहीं हैगा। मैं तुहानूं पहलां वी वार वार मैं बड़ियां गल्लां देखो बोलियां गईआं मेरे खिलाफ़ भी, पर मैं उहनूं पाणी नूं पी गया, मैं बोलिया नहीं। पर अज मैं तुहानूं बेनती करदा कि आपां सिर्फ ये गल्लां करके कि उहने ऐं करता उहने उह करता जो हो गया हवा गया, पर अज सानूं लोड़ है कि कोई भी साडा नौजवान साडा किसान, चाहे वह दीप हो चाहे कोई होर होवे, जिहड़े नूं पुलिस फड़दी है, तशद्दद करदी है, जेल सिड़दी है, उहदे खिलाफ़ सानूं आवाज़ अपनी पूर्ण तौर पर बुलंद करनी चाहीदी है, उहदे लई लामबंदी करनी चाहीदी है, उहदे लई सरकार अगे रखना चाहीदा कि गल्लबात कानूनां ते फिर होगी, पहलां साडे सारे जिहड़े किसान फड़े ने, नौजवान फड़े ने, उहनां नूं रिहा किया जाए बिना शर्त, ते जिहड़े मुकदमे ने उहनां नूं खारिज किया। उत्थे आपां कई बार ये हुंदा कि कल्ले बंदे नूं छड्ड दईए पासे कि यार हुण सरकार दे अगे वी जो मर्जी करी जा, क्योंकि साडा एक भी बयान किसे भी साडे नौजवान दे खिलाफ़ दित्ता होया सरकार नूं इह मौका देगा कि ये लोग पाट चुके ने। सो बार बार मैं तुहानूं एके दी अपील करदा हां, अज फिर तुहानूं अपील करना करन दे लई आया कि गल्लां आपां बाद च नबेड़ लांगे, कोई गल नहीं, समा बथेरा पिया, पर एक बारी इह जिहा कोई बयानबाजी ना कीती जावे, सारिआं दे लई इक्को ही आवाज़ दे विच आपां गल करिए कि हाँ यार सारे साडे ने, सारे पंजाब दे पुत ने, पंजाब दी मिट्टी लई, पंजाब दीआं फसलां, पंजाब दीआं नसलां लई लड़ रहे ने। सो इन्हां नाल साडा कोई गल नहीं हो सकदा, ने बखरेवें होणगे, मतभेद होणगे, उह नबेड़िआ जाऊगा कितें मसला, पर अज आपां सरकार नूं इह मौका ना देईए। दूजी गल मैं लोकां नूं कहना चाहुंदा कि कोई गल नहीं, कदे भी मन दे विच नाराजता नहीं लैके आई दी हुंदी कि फलाना फड़िया गया, धिमका फड़िया गया, आह होजू आह हो, सरकारां दे हथकंडे हुंदे ने, सरकारां ने लोकां नूं डराउणा किवें आ, नाराजता किवें भरनी है। घरे बैठा बंदा सोचण लग जांदा फलाना फड़ लिया होवे, धिमका फड़ लिया, की होऊगा, हऊआ बनाया जांदा कि बहुत वड्डा, आपां देखा ना किवें हऊआ बना के पेश किया जा रहा। ਉਹ ਹੋਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਭਰਾ। ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ,
पूरी दुनिया के थू थू हो रही है सरकार की, पूरी दुनिया के बुरा हाल होया पाया, बदनामी हो रही है। सरकार चाहती है भी किमें ना किमें इस अंदोलन को खदेड़िया जाए, सन लाया जाए, वो सारे हथकंडे उन्होंने अपनाने हैं, पर आप पूरी दृढ़ता दे नाल, पूरे हौसले दे नाल, पूरी निडरता दे नाल इह गल्लबात दा आप मुकाबला करना, संघर्ष करना, अंदोलन करना, डटे रहना, एक रहना। सो मैं तुहानू यही बार बार अपील करता कि मौका बार बार नहीं आना, एक बारी असी आपसी फुट करके, आपसी गल्लां बातां करके, आपसी बयानबाजी करके असी सरकार दे हत्थ च मौका दे देंगे, तो फिर सरकार ने सानू बख्शना किसी को नहीं भरा, चाहे कोई कामरेड है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई किसान आगू है, तो चाहे कोई नौजवान है, चाहे कोई भी है, ये गल का खास ख्याल रखियो। सो मैं यही तुम्हें बेनती करता कि हुण एक होने की लोड़ है, वो बाद देखा है कौन कित्थे की कर गया, वो बाद दीआं गल्लां ने। धन्नवाद, आओ आपां डटे सी डटे रहांगे, जित्तांगे, जुड़ांगे, लड़ांगे, जित्तांगे, तो जित यकीनी है बिल्कुल। इत्थे हुण आ बिल्कुल साढ़े सबर का इम्तिहान आ, साडा परख की घड़ी आ, यही तो हुंदा, इत्थे पता लगता भी किहड़े डोलदे ने ते किहड़े खड़दे ने, यह बिल्कुल वो पीक सिखर है संघर्ष का। इत्थे सरकार ने सब तो हमला जिहड़ा तकड़ा करना साढ़े ते, पर इत्थे जे आपां डोल रह गए, आपां निडरता दे नाल लड़ के संघर्ष करके खड़ गए, एकजुट हो गए, तो समझ लो सरकार डिगी पई है, गोडे टेकी बैठी है सरकार, तो कानून रद्द होने होने। तो जे इत्थे पिछे हट गए ना मित्रों, इत्थे कोई डर मन च बाड़ लिया, कोई निराशता ले आती, कोई हौसला तोड़ लिया भी वह की बन गया, ऐ हो गया, हो गया, तो याद रखियो थोड़ा खात्मा तय है, तुम लेके इतने मेरा भी तुम हथ बन के बेनती करना, कोई गल नहीं यार, डटे हैं मोर्चे च खड़े हैं, खड़े रहेंगे, आ जाओ मेरा भी वध तो वध जिड्डी वड्डी गिणती तो दिल्ली लिया सकते हो, आओ आप सारे मिलकर इस अंदोलन सिरे लाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।